गाइज वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी A21 के बारे में गाइज, जो कि लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्दी। गाइज यहां पे इमेज भी लीक हो गई है गाइज एंड्रॉयड की तरफ से, और यहां पे गाइज बताया जा रहा है कि ये फ़ोन बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकता है। क्या है अब इसके फीचर्स गाइज, कितने का आएगा ये फ़ोन और कैसे है ये अलग और अपने स्मार्टफोन से, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे गाइज। और गाइज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गाइज वीडियो शुरू करते हैं। गाइज आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A21 की, जहाँ पे गाइज इमेज लीक हो गई है और बताया जा रहा है गाइज कि ये बिल्कुल सिमिलर होने वाला है अपने A11 सैमसंग गैलेक्सी के, बिल्कुल सिमिलर होने वाला है अगर लीक से मैं सजेस्ट करूं आप सभी को। जहाँ पे गाइज आपको चार चार कैमरे मिल सकते हैं, क्वाड कैमरा सेटअप मिल सकता है, और आपको बता दो गाइज कि यहाँ पे आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिल रही है इस फ़ोन के अंदर, इन्फिनिटी यू डिस्प्ले नहीं मिलेगी। साथ ही साथ गाइज आपको इसमें बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको पीछे की तरफ ही आपको एक LED फ्लैश लाइट भी मिल रही है कैमरा के साथ में ही, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी ही मिल रहा है गाइज। इसके साथ साथ गाइज अगर मैं बोलूँ तो ये चलेगा Exynos 7904 चिपसेट पे और Android 10 पे चलेगा गाइज। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आपको 4GB रैम मिल रही है जो कि एक्सपेंडेबल हो सकती है 64GB तक यूजिंग microSD कार्ड के थ्रू। तो गाइज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं फीचर्स, और इसके अलावा ये भी बता दूँगा इसकी यहाँ पे आपको डुअल LED फ्लैश लाइट भी मिलने वाली है जो कि आपको दिखाई देगी बिल्कुल राइट साइड के स्पॉट पे कैमरा के, ये भी बहुत अच्छी बात है गाइस। और पंच होल डिस्प्ले के साथ आने वाला है, तो यहाँ पे गाइस आपको पंच होल डिस्प्ले भी मिलेगा इस फ़ोन के अंदर। और सैमसंग अब ये इसमें इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले लेकर आ रहा है गाइस, मेरे हिसाब से इन्फिनिटी यू डिस्प्ले काफ़ी बेटर होता है ओ से, क्योंकि वहाँ पे जो आपको बिजल्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं यू डिस्प्ले में अगर मैं बात करूँ एज़ कम्पेयर टू ओ डिस्प्ले की। लेकिन कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करनी है, क्योंकि सैमसंग द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि ये मिड रेंज मार्केट टारगेट करने वाली है कस्टमर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो फ़ोन्स है गाइस मैं अगर बात करूँ एम सीरीज़ की या फिर ए सीरीज़ की, अभी तक जितने भी फ़ोन निकाले हैं वो सब मिड रेंज कस्टमर्स के लिए ही निकाले हैं, ताकि सारे जो हैं वो अफोर्ड कर सके सैमसंग के अपकमिंग प्रीमियम फ़ोन्स। और गाइस यहाँ पे प्राइस अभी ये रूमर है, ये फिक्स प्राइस नहीं है, यहाँ पे आ सकता है 12,990 रुपये तो करीबन 13,000 रुपये का, और ऊपर और नीचे हो सकता है प्राइस, क्योंकि अभी ये रूमर प्राइस है, अभी कोई ऑफिशियल प्राइस नहीं आया सामने। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है गाइस कि ये लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्दी। आपका कितना क्या कहना है गाइस कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस फ़ोन को लेके? और कई जब मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चॉइसेस हो गई हैं हमारे अपने माइंड में, कि अगर मैं एक ऐसा कस्टमर सोचूं कि हम एक फ़ोन लेना चाह रहे हैं और सोच नहीं पा रहे हैं कि कौन सा फ़ोन ले, तो गाइस बहुत सारी वीडियोस हैं, और आप पहले पूरा डिसाइड करिए कि आपकी डिमांड या यूसेज क्या है गाइस, तो उसी हिसाब से प्राइस फ़ोन लीजिए आप बिल्कुल। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल भी मत भूलेगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, इट्स गुड बाय।